दोस्तों आप लोग आयुष्मान भारत योजना तो जानते होंगे, जिसके जरिए आप लोग 5 लाख तक का रुपए का आप लोग फ्री में इलाज करा सकते हैं। दोस्तों से आप लोग यहाँ पे कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो दोस्तों अब यहाँ पे ऑपरेटर आईडी का ऑप्शन आ गए। अब आप लोग खुद दूसरे का भी देखे आयुष्मान कार्ड को बना सकते हैं। दोस्तों आप लोग को ये ऑपरेटर आईडी कैसे मिलेगी, आप लोग दूसरों का आयुष्मान कार्ड कैसे बना सकते हैं, चलिए बता देता हूँ। सबसे पहले जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग इस साइट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे शो करा अब आयुष्मान कार्ड बनाना हुआ और भी आसान, और यहाँ पे ये शो करा और यहाँ 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और देखिए साइड में लॉग इन का ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ बेनिफिशरी और ऑपरेटर, तो दोस्तों हमें यहाँ ऑपरेटर यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक किया हूँ तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गए, रजिस्टर मोबाइल नंबर यूजर आईडी यहाँ पे इंटर करना है, और यहाँ पे आप लोग लॉग इन कर सकते हैं। जैसे आपका भी अकाउंट ही नहीं है तो आप लोग लॉग इन ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ साइन अप यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग चलेगा, हमें वेट करना है, और यहाँ पे ये ऑप्शन आ गए यूजर मैनेजमेंट और पोर्टल, तो यहाँ साइन अप। सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन अप करना होगा, या आधार नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना है। जैसे आप लोग आधार नंबर यहाँ पे इंटर कर देंगे, वैलिडेट यहाँ पे क्लिक करके सबसे पहले आपको आधार को वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे देखिए वेरीफाई हो गए हैं। फिर यहाँ ई केवाईसी मोड यहाँ सेलेक्ट, यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ आधार ओटीपी, आधार फिंगरप्रिंट, दोस्तों जिसके थ्रू आप लोग वेरीफाई करना चाहते हैं कर लेना है। तो हमें यहाँ आधार ओटीपी यहाँ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे टिक करना होगा अलाउ, यहाँ पे क्लिक करके अलाउ कर देना है। और फिर यहाँ देखिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, तो यहाँ आधार ओटीपी यहाँ पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे ओटीपी को इंटर कर देना है। जैसे मेरे में जो आया है मैं इंटर कर देता हूँ, आप में जो आएगा उसको इंटर करना है। जैसे मैं इंटर कर दिया हूँ, फिर यहाँ सबमिट यहाँ पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे ये ऐसा पेज ओपन हो गए हैं। और यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए नाम शो कर रहा है, जेंडर, एज, यहाँ पे हाउस नंबर, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे शो करा। दोस्तों जैसे आप लोग यहाँ पे चेंज करना चाहे कुछ और है तो यहाँ नीचे आप लोग चेंज कर सकते हैं। अगर यही जो ऊपर शो करा यही आपका करेंट एड्रेस और सेम एड्रेस है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है, तो यहाँ भी देखिए सेम आ जाएगा। और यहाँ पे ये ऑप्शन शो करा आधार कार्ड ईमेल, दोस्तों आपके आधार कार्ड में जो भी फोटो होगी यहाँ पे फेच हो जाएगी। अगर आप लोग यहाँ पे न्यू फोटो लगाना चाहते हैं, जैसे पहले की दूसरी फोटो है आप लोग न्यू लगाना चाहते हैं, तो यहाँ प्लस वाले पे क्लिक करके आप लोग न्यू फोटो को भी अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ ईमेल, आपको यहाँ ईमेल वाले पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे ईमेल को वेरीफाई करना होगा। फिर यहाँ मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है, मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करके आपको वेरीफाई कर लेना है। और यहाँ पेरेंट एंट्री यहाँ सिलेक्ट वाले पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे CSS और देखे ग्लोबल और यहाँ पे SHA और काफी सारे ऑप्शन हैं, जिससे आप लोग टाई अप है जिसके थ्रू आप लोग काम वगैरह करते हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको देखिए सभी को देख लेना है, जैसे मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप जिसके तहत आते हैं आपको वो सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ एंटिटी टाइप आपको यहाँ पे क्लिक करना है सिलेक्ट वाले पे, और यहाँ पे आपको यहाँ फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, आपको अपने हिसाब से देख लेना है। फिर यहाँ हमें नेम वाले पे क्लिक करना है, और यहाँ CSC इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ यूजर रोल आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे रोल को आपको सिलेक्ट कर लेना है, आपको यहाँ पे देख लेना है। तो दोस्तों हमें यहाँ एजेंसी ऑपरेटर यहाँ पे क्लिक करना है, आप लोग जिस भी स्टेट से हैं अपने हिसाब से आपको इसको सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ एप्लीकेशन यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ इसे भी सिलेक्ट कर लेना है। फिर ऐड वाले पे क्लिक करना है, इसे ऐड कर लेना है। और यहाँ पे देखे ऐड कर लिया हूँ, तो यहाँ पे देखे सभी डिटेल्स शो करा, जैसे अब यहाँ पे ऐड कर लिया ये शो करा। जैसे आप लोग डिलीट करना चाहें तो यहाँ से इसे डिलीट भी कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में यूजर का ऑप्शन शो करा, यहाँ यूजर नेम आपको अपना कोई भी एक यूजर नेम को लिख लेना है, और यहाँ पे यूनिक लिखना है, तो यहाँ पे ऐसे कोई भी आपको यूजर नेम को लिख लेना है। फिर यहाँ पासवर्ड, आपको पासवर्ड को यहाँ पे क्रिएट करना होगा, कंफर्म पासवर्ड कर देना है। फिर यहाँ सबमिट यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ अकाउंट क्रिएटेड, और यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो गए, अप्रूवल के लिए सेंड हो गए, बस आपको वेट करना है। जैसे अप्रूवल मिल जाएगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग आयुष्मान कार्ड को बना सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ ओके वाले पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे इसे आप लोग सेव करना चाहें पासवर्ड को तो पासवर्ड को सेव कर सकते हैं। फिर सबसे पहले हमें जीमेल को वेरीफाई कर लेना है, यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन योर ईमेल हैज बीन वेरीफाइड एंड अपडेट, दोस्तों यहाँ पे अपडेट हो गए हैं, क्लोज वाले पे क्लिक करना है, इतना कर देना है।
फिर यहाँ पे हमें देखिए लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए टाइप हियर, यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम लिखना है और यहाँ सेलेक्ट, यहाँ पे क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे यूजर नेम को लिख देता हूँ, यूजर नेम लिख दिया हूँ। वेरीफाई पे क्लिक करना है, इसे वेरीफाई कर लेना है। सिलेक्ट वाले पे क्लिक करना है। अगर आप लोग पासवर्ड इंटर करना चाहें तो यहाँ पासवर्ड वाले पे क्लिक करना है, नहीं मोबाइल ओटीपी भी कर सकते हैं तो यहाँ पासवर्ड पे इंटर करना है। और सबसे पहले हमें यहाँ पे पासवर्ड को इंटर कर लेना है। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक फिल हो गए और जो कैप्चा कोड सुख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पे हमें फिल करना होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, जो कैप्चा हो उसी को आपको इंटर करना है, रॉन्ग नहीं इंटर करना है। अगर रॉन्ग इंटर करेंगे तो गलत हो जाएगा, दोबारा आपको फिर इंटर करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कैप्चा को इंटर कर लिया हूँ, फिर यहाँ लॉगिन वाले पे क्लिक करना है और इसे हमें लॉगिन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे लॉगिन हो गए और यहाँ पे सभी डिटेल शो कर रहा, और यहाँ पे देखिए जो इसका स्टेटस है यहाँ पे अभी पेंडिंग शो कर रहा। दोस्तों बस आपको यहाँ पे वेट करना है, जैसे ही यहाँ पे देखिए आपको अप्रूवल मिल जाता है, फिर आप लोग यहाँ से किसी का भी आयुष्मान कार्ड को बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं।